नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको सीपी जोशी का वो बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उमा भारती पर जातिगत टिप्पणी करके सीपी जोशी खुद अपने ही जाल में फंस गए। हम वो बयान दिखाने से पहले आपको बता देते हैं, इस पर राहुल गांधी को खुद सीपी जोशी को ट्वीट करके नसीहत देनी पड़ी कि सीपी जी, आप इस बयान को लेकर खेद जताइए, आपको गलती का एहसास होगा। उसके बाद सीपी जोशी ने तुरंत ट्वीट करके इस बयान पर खेद भी जताया। तो ये देखिए क्या बयान दिया है नरेंद्र मोदी के बारे में सीपी जोशी ने, और उमा भारती को इस बयान में धोबी भी बताया है। तो देखिए इस वीडियो। कांग्रेस ही तो मुसलमानों की बात ही करते हैं, कांग्रेस तो हिंदू आदि नहीं करते, समझा? मतलब ये सर्टिफिकेट देने वाले आदमी कौन है? ये कौन सी विश्वविद्यालय खोला है इन्होंने? जिस विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट है, हम सर्टिफिकेट देंगे तो आप हिंदू, और हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो हिंदू नहीं। अरे यहाँ बैठे हुए शर्मा के आदमी, उमा भारती की क्या जात है मालूम है किसी को? ऋतुमराज जी की क्या जात है मालूम है? अरे इस देश में धर्म के बारे में कोई जानता है तो पंडित जानते हैं, विद्वान पंडित कौन कहते हैं, ब्राह्मण। ये अजीब देश हो गया। इस देश में उमा भारती लोधी समाज की है, वो हिंदू धर्म की बात कर रही है। साफी जी किसी धर्म की, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की, हिंदू की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों का काम नहीं, ब्राह्मण तो समझ देते नहीं, 50 साल में इनकी अकल बाहर निकल गई, नई अकल शुरू हो गई। ये नए नए सिरे से देश में लोगों को गुमराह करने का काम हो। तो धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।